करते हैं कि कौन से स्टॉक में हमारे लिए सही होंगे, कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। निफ्टी तो रहा है, इसके कल है हेड एंड ये हेड और ये शॉर्ट की टारगेट भी आपको जो आते हुए दिखते हैं, नेकलाइन बना लें उसके अकॉर्डिंग है 1000 है वो ये होगा। टीम में जो हेड एंड शोल्डर है उसका टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 19,000। तो ये लेवल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैं जहाँ मैंने 19,000 और 20,000 के सपोर्ट कहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है 17,900 के नीचे निकलता है उस केस में, 18 अगर टूटता है तो 17,900 के नीचे 17, ये तो हो गया निफ्टी है, वो भी आ रहा है लगभग 19,150। हम देखते हैं बैंक निफ्टी सबसे, तो हमने पहले बताया हुआ है 43,000 के ऊपर 2/3 इनिशियली है। अगर आप गौर करेंगे तो अब कहाँ है, नेक्स्ट लेवल क्या आते हैं, मेजर लेवल है ये जो कि अराउंड आते हैं आ चुका है आउट के ऊपर, हम चल रहे हैं 40,800 के आसपास हम ब्रेकआउट देख चुके हैं, जो है आपका मूव था इस तरह से है। और ये लगभग 3,300 पॉइंट का है, तो अगर आप यहाँ से काउंट करने लगते हैं 3,300 पॉइंट, तो ये 42,200 ब्रेकआउट पॉइंट से आप काउंट कीजिएगा, 3,345,600 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। तो 45 ये हमारे लिए नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है टीम में, और अभी हम हैं 42,200 के आसपास, पहले इसमें पॉसिबल है। हाँ, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आएंगे बीच में, प्रीवियस हाईज बने हैं देखने को मिलेंगे, प्रीवियस हाईज 44,000 के आसपास, तो यहाँ आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। माइनर रेसिस्टेंस यहाँ है 43,500, ये क्रॉस होने के बाद इस मंडे ट्यूसडे जब भी मार्केट ओपन होता है 43,500 के ऊपर नेचुरली ओपन होगा, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी 215-20 के आसपास चल रहा है, इसके साथ 100-150 पॉइंट ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी लगभग 200-400-500 पॉइंट ऊपर खुले, 43,400 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं, इसके साथ आप ट्रेड कीजिए। और ये हमारे लेवल्स होंगे अगले आने वाले कुछ। तो ये तो हो गया नेक्स्ट में कैनरा बैंक हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 300 है, वो क्रॉस होने के बाद का टारगेट बनता है। अब हैं कि आपको दिखाई दे साइज थे उनको ब्रीच कर दिया है, तीन सौ 12-13 के ऊपर निकल गया है और 300 हुआ है, 318 टेस्ट किया है। जो हमारे रेसिस्टेंस लेवल होंगे वो जो है वो प्रीवियस हाइज होंगे, तो प्रीवियस हाइज जो है इसके ये मेजर ये है रहा है वो जा रहा है आपका, सॉरी ये 45 के रेंज क्रॉस होगा तो 370 से लेकर एक और स्टॉक बढ़ता हुआ आपको। सारे बाय में है, जैसे एडीएक्स हो गया परसेंटेज आ रही है ऑलरेडी, अब टाइम से बाई जोन में है, अब तो ओवरबॉट में है, लेकिन ये डेली पर है, वीकली गुंजाइश बाकी है, टी हुआ है वीकली में, बस 70 तक जाने का इस मादा है। और के सी सी आई और जो है पॉजिटिव हुआ है, फिर एम एस सी डी भी अभी पॉजिटिव अब होगा, और यहाँ ब्रेकआउट आपको वीकली चाहिए तो हमारे 400 तक के लेवल के लिए, तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं कोई भी 340-50 का, और बाय कर सकते हैं, और पुट आप आराम से 300 का भी बेच सकते हैं, जा सकते हैं। बता रहा हूँ आपको बैंक नहीं है इसमें, बट कंटिन्यूअस जो है साथ ही जो है वो आपको दिखाई देगा इसमें। तो हम ट्रायंगल का ब्रेकआउट ले चुके हैं, टारगेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं सिमेट्री 20% 29 200 5 और 210 काइंड ऑफ लेवल ऑन ट्रेंड लाइन बेसिस, यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन इंडिकेटिंग टारगेट्स ऑफ अराउंड 240 और एमएसीडी, ये सब ऑलरेडी जो है जोन में आ रहे हैं, लेकिन ये डेली चार्ट है तो क्योंकि अभी तो पाएंगे कि अभी काफी गुंजाइश है, वीकली चार्ट पे देखिए आ रहा है सही, अभी जस्ट वो है 7 के बाद ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे।
20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। मोमेंटम को बता 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है स्टॉक ने। ADX ऑलरेडी इन बाय है। सभी इंडिकेटर जैसा मैंने बैंक्स के BOB और कैनरा बैंक में कहा कि डेली बेसिस पर सभी जो रिपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन वीकली बेस पर अभी भी इसमें काफी गुंजाइश है, तो आप ट्रेड करते से बाय में हैं। RSI अभी भी 50 के नीचे चल रहा है, आपकी काफी गुंजाइश है, क्योंकि आप जब 70 उसके ऊपर होता है तभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। वॉल्यूम्स देखिए कंटिन्यू, हाँ यार आप कंटिन्यू वॉल्यूम्स देखिए ये वाला, तो विद देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। चार्ट में अगर हम ये देखें, गौर करें, 20 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है और 50 वीक मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गया है। जो भी लेवल है वो आने की संभावना रहती है, जो कि लगभग 700 के आसपास है, तो समय मिलेगा। तो प्रीवियस हाईज 20 के आसपास है इसके लिए, और अभी हम सिर्फ 5 के आसपास हैं, तो 50 से 100 की गुंजाइश है। सही है, इसमें भी आप सेम ट्रेड कर सकते हैं, कॉल्स बाय कर लीजिए या फ्यूचर बाय कर लीजिए। ना पहले लगता है कि अब निफ्टी जा रहा है 18,000 की तरफ, 1,000 की तरफ, आपकी नहीं हुआ है, अभी भी हम एंट्री कर सकते हैं बैंक्स में। बैंक्स के सामने DLF देखा होगा, काफी अच्छा मूव। अभी DLF में जो मूव बन रहा है वो ABCD जो मूव आता है, और ABCD पैटर्न के अंदर कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टिंग पर। ये DLF है, डेली चार्ट, तभी हमने गौर किया था। ABCD जो पैटर्न होता है वो B हो गया, ये C हो गया और ये D, तो D कहाँ तक, A से B का रेंज है, रुपए का रेंज ये जाता हुआ दिखाई देगा 480 की तरफ, रहा है 426, तो लगभग 50-60 रुपए का इसमें गुंजाइश है। ये आप कर सकते हैं, डेली जो है बाइंग हो रही है, वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं 5 दिन से कंटिन्यू ग्रीन है। टाइम कितना लगने वाला है, तो जो ए से बी में जितना टाइम लगा होता है लगभग, तो ए से बी में जो हम अगर डेज काउंट करें है, हुई है, तो अगर मैं अगर हम लेते हैं तो 15 दिन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो जाएंगे। में आप ट्रेड कर सकते हैं, एक स्टॉक दिखा है LIC, गौर कीजिए कि हम 50 डे मूविंग एवरेज है, जैसे ही ये क्रॉस होगा नेक्स्ट लेवल होगा 100 डे 372 का, अभी हम हैं 344.45 के आसपास। बाय में आ गया है ADF, बाय में ऑलरेडी चल रहे हैं सब, 370 के नीचे ही है। वीकली में अगर आप गौर करेंगे बाय में है, बाय में नहीं आया है अभी, 30 से निकल करके 35 तक हुआ है, अभी होगी LIC में। अच्छा, LIC के अंदर आप अगर हार्मोनिक चेक करते हैं तो हार्मोनिक पैटर्न के बेस पर बना हुआ है, ट्रेड्स आएंगे 400 का देखते हैं, तो वो नाइट भी अगर आप गौर करें 23% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्योंकि रिट्रेसमेंट आता है लगभग 50% तक, तो 374 वो लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाने का, तो 374 ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होंगे। ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो 50% तक का हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट के बढ़ते रहने के दौरान भी पिछले 1.5 साल के अंदर किसमें इसने हाईज बनाए थे लगभग 520 के, सॉरी, तब से ये कंटिन्यू नीचे ही है, अप हो गया है, 300 आ गया है, 500। एक स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, मैंने दिया था सीरीज के लिए, डेल्टा कॉर्प ने हाईज थे, प्रीवियस हाईज थे करके डेल्टा कॉर्प काफी ऊपर से 300 350 से, और 50% रिट्रेसमेंट के बाद अब कोशिश कर रहा है करने का। मैं नेवल है 20 होने के बाद ही 230 की तरफ स्टॉक बढ़ेगा। कोविड की बढ़ने की संभावनाएं बीच में आई थी, कम होता जा रहा है, तो स्टॉक्स भी कम करते हुए दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक जो है काफी लाइक स्टॉक है, और लगभग 700 से ये हाईस थे, 720 730 के फ्राइडे सेशन में इसने बनाया लो 278 का, तो मूव था। स्टॉक में जो कैंडल पैटर्न बनाया है
325 ये स्टॉक कभी भी मूव कर सकता है, क्योंकि थर्ड हो गया है अपने हाई से। आना है तो आप मुझे बता सकते हैं, बता ही रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट बाकी हैं इस सेशन के। अगर किसी को कॉल्स है तो आप कर सकते हैं, तो मैंने अभी कॉल किया है, विजिट कर लेंगे तो बेटर होगा। फिर भी मैं है आपको और करें कि तीसरी बार इसने यहाँ बॉटम बनाया है, ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 75-76 है। ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ ये रेसिस्टेंस है इसके लिए, यहाँ 84 क्रॉस नहीं करेगा, चलिए 84-85 क्रॉस करेगा, उसके बाद ही इसमें कोई बड़ा मूव आएगा। 85 के आसपास अगर निकलने का प्रयास करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर कोई मूव आता है, क्लोज देता है इस लाइन के ऊपर, फिर से एंट्री कर लें, 9 के आसपास आप निकलने का विचार बनाए। मेटल्स में अभी कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं है, जो बढ़िया स्टॉक है मेटल्स में वो है जिंदाल हिंडाल्को। आया होगा, कोई अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मेरा वीडियो मैं ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, वहाँ कमेंट और शेयर करें। अगर कुछ और स्टॉक्स हमें जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं खुद बना करके और कोशिश करूँगा कि कल